आपको दिखाया कि गुजरात के अलग अलग शहरों में नोटबंदी और जीएसटी पर किस तरह से लोगों की अलग अलग राय रही है। आज मोदी के गृहनगर मेहसाणा में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनका रुझान किस पार्टी की ओर है, क्या बीजेपी की मौजूदा सरकार पर वो भरोसा जता रहे हैं या फिर इस बार कांटे की टक्कर दे रही है कांग्रेस को मौका देने की तैयारी। देखिए गुजरात सफर के दौरान मोदी के मेहसाणा से हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनावी सफर तय करते करते मैं मेहसाणा पहुंच गया हूं और मेहसाणा की अगर बात करें तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण जगह है, जिला है। मेहसाणा हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है लेकिन इस बार की स्थितियां अलग हैं क्योंकि पाटीदार बड़ी संख्या में यहां रहते हैं और इस बार पाटीदार समाज का एक बड़ा धड़ा कांग्रेस के साथ है, तो जाहिर है कांग्रेस बीजेपी को उसी के गढ़ में कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा एक और तथ्य मैं बताऊं, वडनगर जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, वडनगर यानी मोदी जी का जो गृह क्षेत्र है वो इसी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है और हम मेहसाणा के लोगों से बात करेंगे, चुनावी मिजाज को टटोलेंगे कि इस शहर में जो विधानसभा सीट है वहां पर कैसी टक्कर है, मुकाबला कितना कड़ा है और लोगों की समस्याएं क्या हैं, आम लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। तो चलिए सफर शुरू करिए आप हमारे साथ, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया और बने रहिए मेरे साथ, हम आपको मेहसाणा के अलग अलग रंगों से रूबरू कराते रहेंगे। चलते हैं, इसी शहर से हैं आप, आपके यहाँ चुनाव प्रचार जोरों पर है, कैसा देख रहे हैं मुकाबला? मुकाबला तो अच्छा है, वैसे राहुल भी अच्छा है और राहुल ने जो पब्लिक को चुना है, जो मेंबर को जो चुना है वो सारे अच्छे ही हैं। जिसे पहले बार जो कांग्रेस जो कर रही थी वो कांग्रेस गलत कर रही थी और इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। बीजेपी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं, पिछले 5 साल की अगर बात करें, हालांकि सरकार तो यहाँ गुजरात में 22 साल से है, कैसे देख रहे हैं उनके इस सियासी सफर को या सत्ता में बने रहने का जो सफर उनका है लगातार, कैसे देखते हैं कामकाज को? कामकाज तो वैसे अच्छा है लेकिन मैंने आपको बोला था कि मकान किराए पे किसी को दिया है तो सिर्फ 5 साल के लिए दो या 2 साल के लिए दो, कंपलसरी उसको मकान भाड़े नहीं देना, नहीं कि वो अपना हक जताएगा कि भाई मकान मेरा आएगा है, पर अपने को मकान देना नहीं है उसको, यानी 14 तारीख को लोगों को कांग्रेस को वोट देके आगे बढ़ाना है, यानी मकान उसके पास से छीन लेना अपनों को। तो अगर सरकार के काम को अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितने देंगे आप? 2% दूंगा मैं। हम लोग तो वैसे चुनाव की हर वक्त राह देखते हैं क्योंकि सही आदमी का चुनाव होना और उसने अच्छा काम करना हम लोगों को अपेक्षित रहता है और इस बार ये जो वोटिंग हो रहा है इसमें हमें लगता है कि जो भी भारत देश में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और यदि वही सामने आता है तो और भी अच्छा होने वाला है और चुनाव के लिए सबको शुभेच्छा। मतलब आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? जी हाँ। पहली बार क्या वोट करेंगी आप इस चुनाव में या पहले कर चुकी हैं? पहले वोट कर चुकी हैं। एक युवा होने के नाते आप भी तमाम चीजें सोचती होंगी, वोटर के पास जब कैंडिडेट आता है तो वोट मांगने की तमाम अलग अलग तरह की बातें करता है, क्या कुछ बातें आपके पास आई हैं चलकर, उम्मीदवार आते होंगे प्रचार में क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या सोच रही है इस समय आप चुनावी माहौल को देखकर? ये सोचा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है वो सरकार देश सब कुछ बदल सकती है, इसलिए मोस्टली देखा जाता है कि दोनों कोई भी पक्ष हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर अदर देन जो भी हो, स्टिल हम लोगों ने उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसके वजह से जिसमें युवा को भी आगे जाने का मौका मिले, बस यही। आपने बहुत अच्छी बात कही लेकिन चुनाव प्रचार हमने जो कई शहरों में देखा युवाओं की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है अपने प्रचार में, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं लेकिन युवाओं की चिंता किसी के बयान से झलकती नहीं है। अब वो हम भी देख रहे हैं लेकिन अब जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे और रिजल्ट्स के बाद में कोई जब तक आ नहीं जाता तब तक हमको रुकना पड़ेगा या फिर जो अभी हमारे सामने जो वोट मांगने आ रहे हैं तो हम लोग उनके सामने डिमांड भी रख सकते हैं कि आप इसके बारे में बात करें। शुक्रिया आपका और सोच समझ कर ही वोट करना चाहिए। चलते हैं आगे और जगहों पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे और उनकी भी बात जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है चुनाव के बारे में। आइए, सरकार ने जो कुछ काम किए हैं 10 में से कितने नंबर देंगे आप? किसको? बीजेपी को 10 में 10 देंगे। मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी सरकार कभी भी नहीं बनेगी और बीजेपी को हम तो बोलते हैं पाटीदार आंदोलन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है लेकिन वोट तो देना चाहिए बीजेपी को। मेहसाणा रेलवे स्टेशन से जैसे ही मैं बाहर निकला तो हमारी मुलाकात मेहसाणा में टैक्सी और ऑटो चलाने वालों से हुई और वो तमाम लोग मेरे साथ हैं। चुनाव चल रहा है आपके शहर में, किसका जोर ज्यादा दिख रहा है आपको?
ज्यादा जोर मतलब भाजपा का चल जाएगा, बरोबर वो अच्छा चल जाएगा। और क्यों दिख रहा है, क्या वजह मानते हैं आपकी भाजपा ज्यादा मजबूत आपको दिख रही है? वो काम अच्छा करती है, बरोबर काम सही करती है, सब काम सही करती है। आपका कहना है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी की तो बात ही और अलग है, मोदी जी जैसा तो काम कोई करेगा ही नहीं। भाजपा ने कांग्रेस ने क्या किया है आज तक 60 साल में? किया क्या है? कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ लोगों को उल्लू बनाया है। भाजपा ने जो काम किया है वो दिखाई देता है, रोड भी बनाया है, सड़कें बनाई, मकान दिया, गरीबों को रोजी रोटी दिया, क्या नहीं दिया कुछ? अभी कांग्रेस का परिवर्तन होना चाहिए अभी, क्योंकि 5-5 साल में परिवर्तन हुए तो कुछ अच्छा काम हुए ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि परिवर्तन सरकार होनी चाहिए। आपका मतलब है कि कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए तभी काम होगा। वैसे जो पीछा वो 5 साल आ जाएगी तो वो काम में थोड़ी ढील रख दी भाजपा, इसके लिए 5-5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, आप एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ, 22 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग ऑटो टैक्सी चलाते हैं, आपके अपनी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ? हमारी जिंदगी में तो रोड अच्छे हुए, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ रोड हमको एकदम क्लियर, जो खड्डे मड्डे थे बिल्कुल नहीं है, पुल मूल सब बनाए मोदी जी ने, लेकिन इनके लिए विकास अच्छा करा। पिछले 5 साल में, 22 साल छोड़ दीजिए, फिलहाल जो सरकार है इसके पिछले 5 साल के कामकाज की बात करें, जो सरकार ने आपको क्या दिया, आपका क्या भला हुआ, अगर आप बताना चाहें तो क्या भला हुआ आपका? अभी नई नई फैक्ट्रियां मैक्ट्रियां बनी, उसकी वजह से सब बाहर से लोग आते हैं, तो हमारे ऑटो गाड़ी वाले का धंधा चल रहा है। आपका कहना है कि मेहसाना जब ज्यादा लोग आते हैं तो आपका धंधा चलता है, जाहिर सी बात है। गुंडागिरी नहीं है साहब इसमें, गुंडागिरी नहीं है, कहीं भी रात को कहीं भी जा सकती है, औरत भी जाती है, लड़की भी जा सकती है। दूसरी बात है, 2 लाख रुपए का इसने बीमा दिया है अपने, हाँ माँ कार्ड बनाया 2 लाख रुपए का, और कोई दादागिरी नहीं, आराम से सब धंधा कर रहे हैं सब, कहीं कोई परेशान नहीं कर रहा, कोई परेशान नहीं कर रही। मैं मेहसाना की राजमहल रोड पर खड़ा हूँ और एक अच्छा खासा बड़ा बाजार है मेरे आगे और पीछे भी। इस सड़क पर चलते चलते हम पहले तो यहाँ के जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी हवा किस दिशा में बह रही है और बाजार का नजरिया क्या है, यानी बाजार में बैठे लोग क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव चल रहा है, प्रचार जोरों पर है, लेकिन आप दुकानदार हैं, जीएसटी का जो एक फैसला सरकार ने लिया था उसका कितना असर दिख रहा है चुनाव में आपको, क्या कोई असर पड़ेगा उसका? थोड़ा रहेगा, लेकिन अच्छा किया है सरकार ने, सभी स्टेप जो ले रहे हो थोड़े धीरे धीरे ले रहे हो, अच्छे ले रहे हैं, अच्छा होगा। और जो लोग हिसाब से सब भाव डाउन भी आ रहे हैं, एमआरपी भी कम हो रही है, एमआरपी कम हो रही है, लेकिन एमआरपी कम हो रही है, लेकिन दुकानदार बहुत सारे ऐसे हमें मिले अलग अलग शहरों में जिन्होंने कहा है कि उनका कारोबार भी गिरा है। कारोबार थोड़ा असर रहेगा, लेकिन पहले कोई वो टैक्स नहीं भरते थे, अब थोड़े थोड़े सब भरने लगे, सब रेगुलर होने लगे, सब डिजिटल होने लगे, इसलिए फायदा रहेगा बाद में। बाजार में ही चल रहा हूँ मैं लगातार, और हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? चंद्रकांत रामे। चंद्रकांत जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप, बीजेपी या कांग्रेस? इलेक्शन का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है अभी, अभी कुछ कह नहीं सकते। बीजेपी का मेरे ख्याल से चांस अच्छा है, गुजरात में वापस उनके आने के चांस लगते हैं, क्योंकि बीजेपी के विकास का जो काम बोलता है, जो काम अच्छा किया है उन्होंने, जो पानी हो या बिजली हो वो काम अच्छा बोल रहा है नरेंद्र मोदी जी का। घर चलाती हैं आप, रसोई से रिश्ता है आपका, महंगाई को लेकर क्या सोचती हैं कि किस सरकार ने कैसा काम किया है बीजेपी सरकार ने 5 साल में? वैसे तो अच्छा है, पर थोड़ी महंगाई तो है, जैसे कि नोटबंदी जीएसटी आ गई उसके कारण घर खर्चे में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जो नई सरकार बनेगी उससे क्या मांग करेंगे आप, क्या चाहेंगे? जीएसटी भी बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा कम करे, इसलिए हम घर खर्चे में महंगाई कम करे, महंगाई कम करे। एक बात बताइए, आपके शहर में हम घूम रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, पाटीदार समाज कांग्रेस के साथ है, तो इस बार मुकाबला कितना कड़ा देख रहे हैं आप, क्योंकि ये मेहसाना तो कभी गढ़ हुआ करता था बीजेपी का? जी सर, पर लेकिन इक्वल ही है दोनों साइड, इस बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी आ सकती है सत्ता, अभी कुछ साफ नहीं है आपके हिसाब से कि कौन सा जीतेगा यहाँ से? वैसे तो भाजपा भी आएगी मेरे हिसाब से, और तो अभी तो दोनों दार धुएंदार है, दोनों इक्वल ही है सर इस बार। ये आप मानते हैं कि बीजेपी जो है पिछले चुनावों में जिस तरह
आसान जीत जीती थी, ऐसा इस बार नहीं होगा कम से कम? हाँ, इस बार थोड़ी दिक्कत रहेगी क्योंकि जीएसटी, नोटबंदी और पटेलों के जो हिसाब से, अनामत के हिसाब से थोड़ी भाजपा को दिक्कत आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जीएसटी का जिक्र किया, जीएसटी लागू होने के बाद आपके इस कारोबार पर क्या फर्क पड़ा है? हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत हुई लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम में जीएसटी हमको बेनिफिट होगा जीएसटी में, बाकी तो थोड़ी बहुत ही दिक्कत हुई है। मोबाइल की इस दुकान पर मैं आ गया हूँ, क्या नाम है आपका? विक्की पटेल। विक्की जी, इस बार चुनाव में कुछ नया? नया तो बहुत कुछ है सर। क्या है नया? ये पाटीदार को घर जा जाके लाठियां बरसाई है, तो इसका असर तो दिखेगा ना, यही बात नहीं है। इसका असर किस तरह दिखेगा? पाटीदार से जो घर जाके लाठियां बरसाई है, इसकी वजह से पाटीदार लोग है वो नाराज हो गए गवर्नमेंट से, तो उसका असर कई हद तक दिखेगा। अच्छा, कुछ हद तक दिखाई देगा, बल्कि आप कह रहे कई हद तक दिखाई देगा। आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा कि मेहसाना जो है वो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, इस चुनाव में आप क्या मानते हैं कि वाकई बीजेपी मुश्किल में है, कांग्रेस टक्कर दे रही है या बीजेपी जीत जाएगी? नहीं नहीं, कांग्रेस टक्कर देगी, बीजेपी को तो बहुत दिक्कत होगी। और एक हमें बात आप ये भी समझाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाटीदार समाज भी बट गया है दो धड़ों में, एक धड़ा बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, क्या ऐसा है? नहीं नहीं, ये तो बोलते हैं सब पाटीदार के साथ नहीं है, कांग्रेस में ही है, सब भाजपा में नहीं है तो बोलते हैं सर। कितने सालों से स्टॉल चला रहे हैं आप? मैं तो यहाँ 20 साल से आया हूँ। 20 साल से स्टॉल चला रहे हैं, 22 साल से भाजपा सरकार है आपके यहाँ, करता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि चुनाव के माहौल को कैसे देख रहे हैं आप, किसके जीतने की संभावना ज्यादा लग रही है आपको? अभी तो कांग्रेस का झंडा हल रहा है ज्यादा। और जहाँ आप रहते हैं मेहसाना शहर में, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या है आपके आसपास? अभी हम तो झुपड़पट्टी में रहते हैं, बराबर सब अलग अलग बोलते हैं, कोई बोले इसमें दो, कोई बोले इसमें दो। लेकिन सरकार ने झोपड़पट्टी के लिए कुछ काम किया कि नहीं किया बीजेपी सरकार ने? किया है ना, मकान बनाया है, मकान दिया है, रोड बनाया है, लाइट दिया है, सब दिया है। गिना रहे हैं फहरिस्त उन कामों की जो झोपड़पट्टी में रहते हुए वो महसूस करते हैं कि भाजपा की सरकार ने उनके लिए किए हैं और लोगों के पास चलेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णा एन नायक, एडवोकेट हूँ मैं। अब बुजुर्ग हैं आप, इस शहर में कई चुनाव आप देख चुके होंगे, 82 साल उम्र है आपकी, इस बार कुछ नया है चुनाव में कि पहले जैसा है? बिल्कुल नया है। क्या नया है? आज तक भारत के चुनाव में पीएम प्रधानमंत्री कभी भी प्रचार के लिए कोई स्टेट का इलेक्शन में आए नहीं थे। आज इतनी दहशत हो गई या क्या हो गया, आज प्रधानमंत्री खुद और उनकी पूरी कैबिनेट गुजरात में आ गई, ये तो नई बात है। आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को कमजोर समझ रही है इसलिए ज्यादा मेहनत हो रही है? नहीं, वो डर गई है, कमजोर तो समझती है लेकिन डर भी गई है। क्यों डर गई, क्या वजह है, आप क्या मानते उसको? एक तो उसने जो अभी तक जो बीजेपी ने काम किया वो अपने हिसाब से किया है, कोई खाली हवाई किला बनाया है, हकीकत जमीन की हकीकत पे कोई काम नहीं किया। तो एक बात आप बताइए, आपने पहले की बहुत सियासत देखी है, आप राजनीति देखी है, इस बार जो पाटीदार समाज जो बीजेपी से अलग हुआ है उससे कितना फर्क देख रहे हैं चुनाव में? वैसे ऐसा है कि भारत गुजरात का जो मेहसाणा जिला है उसमें दो फैक्टर बड़े हैं, एक ठाकुर है दूसरा पटेल है, दोनों अगर आधे आधे भी कांग्रेस को मिल जाए ना तो भी कांग्रेस जीतेगी। प्लास्टिक के खिलौनों की दुकान है, क्या नाम है आपका? मिलन कुमार सुरेश भाई गुप्ता। इस बार चुनाव जो हो रहा है, जीएसटी का फैसला होने के बाद का चुनाव है, क्या अंतर देख रहे हैं जीएसटी के फैसले से आप, क्योंकि आप एक कारोबारी हैं बाजार में? हमको तो जीएसटी में कोई फर्क नहीं लगता, हमको तो ऐसा लगता है कि जीएसटी दो साल के बाद तो सब सही हो जाने वाला है, मतलब ज्यादा मरना उससे तो थोड़ा सा मरना अच्छा। और जहां तक जीएसटी का अंतर जो हमने देखा, जीएसटी के मुद्दे पर दुकानदार भी बटे हुए दिखाई दिए, कुछ लोगों ने उसकी बुराई की फैसले की, कुछ लोगों ने कहा अच्छा फैसला है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पाटीदार समाज का जो बंटवारा हुआ है मेहसाना में उसका कितना असर है चुनाव पर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाटीदार तो हमेशा से भाजपा में थे और भाजपा में ही रहेंगे। कपड़ों की दुकान पर मैं आ गया हूँ, दुकानदार और ग्राहक भी इस दुकान में है, सबसे ही बात करेंगे। क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में आप, किसको बढ़त मिल रही है? इस बार तो भाजपा आने वाली है, 50% भी भाजपा आएगी।
50% चांस आपको लग रहा है, तो इसका मतलब 50% कांग्रेस के चांस लग रहे हैं आपको? 50% कांग्रेस। आपके हिसाब से मुकाबला बराबर का है? बराबर है ना। हाँ। बराबर माहौल ऐसा है ना, ये माहौल ऐसा है पाटीदार की वजह से, माहौल ऐसा है ना, इसलिए पाटीदार की वजह से, यानी पाटीदार जो कांग्रेस के साथ आए हैं उससे समीकरण बने हैं और बिगड़े हैं, बने हैं कांग्रेस के नजरिए से और बिगड़े हैं बीजेपी के नजरिए से। मैडम आप बताइए, महिला हैं एक, और एक महिला होने के नाते क्या सोचती हैं, आपकी सरकार ने अब तक कितना काम किया या कितना काम बाकी रह गया जो करना चाहिए उसको, और जो अगली सरकार होगी वो कैसा काम करे? मैं तो वही बोल रही हूँ, उसने महंगाई बहुत बढ़ा दी। मैं तो वही बोल रही हूँ, महंगाई बहुत बढ़ा दी। हम तो काम करने वाले हैं, घर के काम करके सब चीज लेने जाते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि सब महंगाई बढ़ गई है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी कि इस बार कांग्रेस आएगी तो मध्यम वर्ग वाले लोग भी आगे बढ़ सकते। अभी जो मध्यम वर्ग वाले जो कमा रहे ना, वो टैक्स बढ़ गया उस हिसाब से वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। मैं तो इतना बोलना चाहूँ, अगर कांग्रेस आएगी तो गरीबों के लिए भी अच्छा है, और अमीर वाले ये सोचते हैं कि भाजपा आएगी तो हमारे लिए अच्छा है। मैं सब्जी मंडी में आ गया हूँ, और सब्जी मंडी में मेरे पीछे मैं देख सकता हूँ कि तमाम लोग यहाँ पर हैं। और क्या नाम है आपका? शोभा बहन। तो ये आप सब्जी के काम में लगी हैं, लेकिन आपको जानकारी है कि चुनाव भी हो रहा है आपके शहर में? जानकारी लग कैसी? इस बार वोट देना है आपको, वोट देने जाएंगे आप? हाँ जाएंगे, जब नहीं जाएंगे। तो क्या सोच रही हैं कि किसको देना चाहिए, किसने अच्छा काम किया या कौन अच्छा काम करेगा? कौन अच्छा काम करेगा, किसने देंगे, तो हमारा मन में रहेगा किसने देंगे। एक बात बताइए, आप सब्जी मंडी में काम करती हैं, हमने लोगों से बात की, लोगों ने महंगाई की बहुत बात की कि महंगाई है, महंगाई कम होनी चाहिए। आप सब्जी बेचती हैं, आपके हिसाब से महंगाई ज्यादा है या महंगाई नहीं है? महंगाई आता तो मंदी है शाकभाजी में। सब्जी बेचने का काम करते हैं आप, क्या नाम है आपका? नरेश भाई। नरेश भाई, लोग कह रहे हैं बड़ा महंगाई है, जब यहाँ लोग आते होंगे सब्जी लेने तो मोल भाव करते होंगे आपसे? व्याजी भाव होता है, 20 रुपए का आधा किलो, 20 रुपए किलो सब्जी हो गया, अभी 20 रुपए में आता है क्या अभी? तो उसमें भी मोल भाव तो होता होगा ना? आते ही पब्लिक बोले सस्ता करो, लेकिन पूछता को तो सस्ता करेंगे ना। और जब नेता आपके दरवाजे पे वोट मांगने आते हैं तब उनसे मोल भाव करते हैं आप, क्या आप जीतेंगे तो ये काम करेंगे? नहीं, कोई नहीं करते। आगे चलते चलते मैं सब्जी मंडी में आगे बढ़ रहा हूँ, और देखिए लगातार सब्जी के ठेला रेडी दिख रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? जागृति। जागृति जी, सब्जी आपने ले ली, सोच समझ कर फैसला करती हैं आप सब्जी जब चुनाव करती हैं, लेकिन नेताओं का चुनाव कैसे करेंगी, विधायक का चुनाव कैसे करेंगी? चुनाव है, कैसा विधायक होना चाहिए आपका? जो देश को आगे लाए वैसा होना चाहिए ना। और जो लोकल समस्याएं होती हैं, जब आप विधायक से कहती हैं कि हमारी ये समस्या दूर करें, तो क्या 5 साल में आपके विधायक ने आपकी दिक्कतों को दूर किया? बच्चों की पढ़ाई में तो थोड़ा फर्क रहा है, और थोड़ी महंगाई है, लेकिन वो हम समझते हैं कि ऐसा नेता है तो थोड़ी महंगाई कम होवे। अच्छा, आप चाहती महंगाई कम होवे, ये महंगाई का बड़ा अच्छा मुद्दा आप लोग खासकर ज्यादा उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में अगर हम आपसे बात करें? महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है, और महिलाओं को दिक्कत होती है घर चलाने में और सब्जी वगैरह करियाना लाने में सब। मैं मेहसाना के आश्रम चौकड़ी आ गया हूँ, आश्रम चौकड़ी जगह है, दरअसल इस चौराहे को आश्रम चौकड़ी के नाम से यहाँ जाना जाता है, और यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जो तमाम लोग हैं उनसे बात जानेंगे कि आखिर चुनाव का मूड क्या है उनके हिसाब से। क्या नाम है आपका भैया? नरेश भाई। नरेश भाई, नरेश भाई ऑटो चलाते हैं दिन भर आप, लेकिन चुनाव के बारे में भी टाइम मिलता है सोचने का कि किसको वोट दें, किसको देना चाहिए? वो तो अभी कल जाएंगे वोट लेने के लिए, तब देंगे, जिसमें भाजपा में देना हो भाजपा में, कांग्रेस में देना हो कांग्रेस में। आपके शहर में चल रहा है चुनाव? हाँ। और जिस तरह बड़ी फुर्सत में आप बैठे हैं, कुछ चल रहा है मन में भी चल रहा है आपके? हाँ, चुनाव के बारे में हम भी विचार रहे हैं कि किसको लाए, सरकार बदलने का विचार है सबको। सरकार बदलने का विचार है? हाँ। आपको ऐसा क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, परिवर्तन तो होना चाहिए। मतलब 22 साल आपने बीजेपी की सरकार को देखा है, अब आप चाहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार देखें? हाँ जी, हाँ यही चाहते हैं। तो आपको क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस से? कांग्रेस से तो वो जो भ्रष्टाचार के बारे में जब चलता है ना वो सब, और वो बहुत उम्मीदें हैं अभी कांग्रेस को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने अपने जो विचार हैं वो रखे कि कांग्रेस से उम्मीद है और ये चाहते हैं कि कांग्रेस को आना चाहिए,
अब तक उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के काम को देखा और अब कांग्रेस की सरकार के काम को देखना चाहिए। आश्रम चौकड़ी पर एक आइसक्रीम पार्लर है और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? बाबू भाई चौधरी। चुनाव को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह की हवा बह रही है, किधर बह रही है? भाई अभी तो पाटीदारों ने पूरा माहौल खराब कर दिया है, नई कांग्रेस नई भाजपा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, लेकिन हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे, वजह क्या है कांग्रेस को वोट देने की? सरकार बदलेंगे तो ही ये सब स्थिर जो लिक्विड पैसा घूमता था बाजार में, अभी जीएसटी लगा के पूरा खत्म कर दिया मोदी जी ने, तो सरकार को बदलने पे ही ये पूरा जीएसटी वीएसटी कम हो सकता है, धंधा रोजगार चलेगा, अभी सब ठप हो गया पूरा माहौल। जो सरकार ने नोटबंदी का जो डिसीजन लिया वो बेशक अच्छा था, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो गलत था। चुनाव वो उसका जो मोटिव था जो नोटबंदी का, जो उसके पीछे सरकार का जो आशय था वो बेकार हो गया। और दूसरी बात जीएसटी का, वो सदी का सबसे बड़ा महान एक डिसीजन था, कोई स्थिर सरकार और बहुमत वाली सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट में ला सकती है, लेकिन उसके सिस्टम पहले डेवलप होना चाहिए। वो सिस्टम होने के बाद अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट करनी होती तो उसमें पब्लिक को इतनी दिक्कत नहीं होती। अभी छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज का वाले हैं तो उनको अभी तक जीएसटी वन जो उसका चलन है वो अपलोड नहीं हो रहा है, अभी भी दिक्कत है लोगों को। तो इसीलिए क्या व्यापारी लोग तकलीफ में हो गए, तकलीफ में है व्यापारी। आपका कहना जीएसटी की प्रक्रिया कठिन है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रिक का, बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का। तो कई बार काम करते करते बिजली के करंट भी लग जाते हैं। चुनाव में किसे करंट लगने वाला है? अभी कांग्रेस को लगने वाला है। कांग्रेस को लगने वाला 100%। क्यों? क्योंकि इधर भाजपा ने इतना बड़ा विकास किया है ना, आप देख सकते छोटा सा गांव है, शहर है, आप देखें कोई भी शहर ऐसा नहीं है कि इधर से 4 लाइन 4 लाइन रोड नहीं है, छोटे छोटे शहर तक तो क्या है, विकास नहीं दिखता किसी को? विकास की भाषा क्या है? लेकिन अपनी अपनी राय है लोगों की। एक सज्जन और है हमारे साथ, क्या शुभ नाम है सर आपका? मनोज भाई पटेल। मनोज भाई, पाटीदार समाज की हम बात करें, एक बड़ा फैक्टर मेहसाना में मैंने देखा, और क्या पाटीदार एकजुट है, यह पाटीदार समाज बटा हुआ है? पाटीदार समाज एक्चुअली दो पार्ट में बटे हुए है, एक पार्ट जो है युवा वर्ग का हो गया है, दूसरा पार्ट है जो बूढ़े बुजुर्गों का है, जो 50+ है उनका हुआ हो गया है, दो पार्ट में बटा हुआ है। लेकिन इस सीट पे मेरे ख्याल से पाटीदार का फैक्टर इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि ओबीसी के भी वोटर इतने ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से पाटीदार का जो वोटर है करीबन 52,000 के आसपास है, और ओबीसी का वोटर हम निकाले और SC ST का निकालेंगे तो वो करीबन 2 लाख के आसपास है। तो जो भी है फैक्टर वो ओबीसी और SC ST मिला के वो उसका इस सीट का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। विकास जो हुआ है या नहीं हुआ, मैं दोनों ही बातें आपसे समझूंगा, वो एक पलड़े में रखा जाए, और दूसरी तरफ अगर आप पाटीदार समाज को रखें तो वो किस तरह आप तोलना चाहेंगे दोनों को? हार्दिक पटेल का जो अनामत का आंदोलन था वो आंदोलन वो ऐसे पाटीदार समाज के लिए एक डिमांड थी कि भैया पाटीदार समाज को कोई मिलता नहीं है, सर्विस में तकलीफ आती है, एजुकेटेड में कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेट उनका जो हाई परसेंट होते थे फिर भी उनको मिलता नहीं है एडमिशन, वो एक तरह से अच्छा था। दूसरा जो है डेवलपमेंट का, आपने जो मेरे को बोला वो डेवलपमेंट तो पूरे यहाँ पे नहीं पूरे गुजरात में दिखता ही है, जैसे हम राजस्थान की बॉर्डर से घुसे अंदर तो आपको कहीं भी यहाँ से राजस्थान बॉर्डर से घुसे और आप महाराष्ट्र की बॉर्डर में बाहर निकले तो आपको कोई भी रोड ऐसा नहीं मिलेगा कि 4 लेन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हमने आपको लोगों से रूबरू कराया, उनकी राय आप तक पहुँचाई। कुछ लोग GST को अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग GST को बुरा बता रहे हैं, कुछ लोग BJP सरकार के कामकाज को अच्छा बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, शायद कांग्रेस ज्यादा बेहतर करेगी। अपनी अपनी राय है, और किसी भी लोकतंत्र में ये सबसे अच्छी बात होती है कि मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिक्रमंदी जो है वो विकास के इर्द गिर्द होनी चाहिए, और वहाँ सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो डेवलपमेंट पर होता है। और मेहसाना में भी हमने देखा कि लोग चाहते हैं कि विकास हो, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, और विकास ही होना चाहिए। चुनाव में
उसकी चिंता होनी चाहिए। उम्मीदवार अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। मेहसाना के लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। हम इस चुनावी सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन मेहसाना से फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरामैन मनवीर सिंह खालसा के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेहसाना, गुजरात।